हम आपसे एक बात बता दें आपको, अभी आप क्या देख रहे थे? अभी हम लोग थोड़ा मिसलेनियस टाइप्स देखेंगे। अभी आप देख रहे थे ए इजिकल टू अगर 1, 2, 3 दिया हुआ है, बी इजिकल टू अगर 3, 4, 5 दिया हुआ है और सी इजिकल टू अगर 2, 4, 6 दिया हुआ है, तो अगर हम ए यूनियन बी बोले या ए यूनियन सी बोले या ए यूनियन बी यूनियन सी बोले या इंटरसेक्शन बोले, आपसे निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा, क्योंकि आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। अभी क्या करेगा सो देखिए, अभी आपको ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी या इंटरसेक्शन, ये चीज दे देगा। ये देने के बाद आपको बोलेगा ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, बी में क्या क्या एलिमेंट्स है, सी में क्या क्या है, बताइए। जब आप इस तरह से चलते हैं तो आसान लगता है, जब पीछे चलते हैं उल्टा तो दिक्कत आता है। इस टाइप के सम्स को हम लोग अभी देखेंगे। जल्दी से ये बात समझे, हम क्या बोले, हम क्या बोले, ए बी सी रहता है तो आप यूनियन या इंटरसेक्शन आराम से निकाल देते हैं। अगर आपको यूनियन और इंटरसेक्शन में अगर कंबाइन करके दे दिया और आपको बोला कि अलग अलग करके बताइए एलिमेंट्स क्या क्या है, ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, तो आपको किस तरह से निकालना है इसी को समझना है। एग्जाम्पल नंबर 6, लिस्ट द सेट ए बी एंड सी गिवन दैट ए यूनियन बी दिया हुआ है। देखेंगे हम लोगों के पास क्या क्या है, वी हैव क्या क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिया हुआ है पी क्यू आर और एस, इसको हम लोगों ने 1 मान लिया। एंड क्या दिया हुआ है बोलिए, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी भी दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, क्यू आर एस टी, ये दिया हुआ है। एंड फिर क्या दिया हुआ है बोलिए, ए इंटरसेक्शन बी सिर्फ क्यू और आर दिया हुआ है, और लास्ट वन इज ए इंटरसेक्शन सी, क्या क्या दिया हुआ है, क्यू और एस दिया हुआ है। आपसे मांग रहा है लिस्ट द सेट ए बी एंड सी, ए में क्या क्या है, बी में क्या क्या है एलिमेंट्स एंड सी में क्या है, ये आपको मांग रहा है। एंड ये 4 इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। देखो जरा ध्यान से, यूनियन इंटरसेक्शन हम लोग बना चुके हैं। इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कि ये ए में भी है, बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, ए में भी है और बी में भी है। इसी तरह ये क्यू और एस ए में भी है और सी में भी है, और इसका मतलब क्या हुआ कि ए में जो जो एलिमेंट्स होगा ये सब तो होगा ही होगा, ये और बी में भी ये जरूर होगा, तभी तो ए और बी में लिया गया। इसी तरह से ए और सी में ये दोनों प्रेजेंट है और ये कॉमन में प्रेजेंट है। नेक्स्ट, जब हम लोग लाइन एक लाइन में सम्स बन जाएंगे, इसलिए आपको जरा ध्यान दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी सी दैट, देखिए 3 और 4 में हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बोलिए, 3 और 4 में Q और R 3 और 4 में Q, R और S है। इसका मतलब अगर हम बोलेंगे कि A में इंटरसेक्शन है, इसका मतलब A में Q भी होगा R भी होगा, Q तो यहां पर है ही, S भी होगा, Q, R और S लिख सकते हैं कि नहीं? पहला A दोनों में प्रेजेंट है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी सी दैट Q, R एंड S, ये साइन एक लगाए थे, बिलोंग्स टू ए। यहां पर हम देख रहे हैं कि Q, R और S है, तो Q, R, S A में है, बट ये इंटरसेक्शन है तो B में क्या हो सकता है, तो B में क्या हो सकता है बोलिए,
सिर्फ आर, क्योंकि मान लीजिए अगर ए में ये तीनों है और बी में अगर आर है तो हम अगर इंटरसेक्शन ले रहे हैं तभी तो क्यू और आर रहेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कहां पर बिलोंग्स कर रहा है क्यू और आर, क्यू और आर कहां बिलोंग्स कर रहा है, यहां पर हम लोग लिख रहे हैं क्यू एंड आर बिलोंग्स टू बी। क्यू और आर कहां पर बिलोंग्स कर रहा है, बी में, तभी तो कॉमन आया। हम ए में मान लिए, ये देखो हम लोगों ने ए में मान लिया कि क्यू भी है आर भी है और एस भी है, तो और बी में हम लोगों ने मान लिया कि क्यू और आर है, तभी तो जब हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे तभी तो क्यू और आर आया, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या बोला कि इक्वेशन थ्री और फोर देखने से पता चल रहा है कि क्यू आर और एस ये ए में बिलोंग्स कर रहा है क्योंकि ए दोनों में है, इसका मतलब जो बाकी बच गया क्यू और आर ओनली वो बी में है, तभी तो हम लोग ए और बी को जब इंटरसेक्शन किए तो आ गया ये। इसी तरह से यहां देखिए सी में क्या रहेगा, क्यू और एस, सी में क्या रहेगा क्यू और एस, तभी तो क्यू और एस आएगा। ए और सी में अगर हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे मतलब कॉमन करेंगे तो क्यू और एस आएगा, इसलिए हम लोग यहां पर लिख रहे हैं एंड क्यू एस belongs to C, QS belongs to C। यहां देखो अब इक्वेशन वन एंड टू को देखो, QRS QRS दोनों में है, देख रहे हैं QRS और QRS है, यानी P जो बचा हुआ, P जो है और यहां पर जो T है, आप देख रहे हैं यहां पर A कॉमन है तो P जरूर B में होगा और T कहां होगा, C में। तो अब फिर से यहां पर लिखेंगे हम लोग From equation 1 and 2, we see that P not belongs to A, क्योंकि A में belongs नहीं कर रहा है, अगर A में belongs करता तो ये दोनों में रहता, तो जो दोनों में common है वो कहां रहेगा, A में, जैसे यहां पर अभी हम लोगों ने देखा था सबको ले लिया था, तो जो P बच गया वो ए को बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो किसको बिलोंग्स कर रहा है, बी को कर रहा है। इसी तरह से लिखेंगे एंड यहां पर टी बच गया, टी किसको बिलोंग्स करेगा, सी को, ए को नहीं करेगा, तो लिख दिए। अब देखिए सब कुछ आ गया जी, आपके पास सारा कुछ आ गया, ए में क्या है क्यू आर और एस है, और आप यहां पर ए को बोल ही रहे हैं कि पी नहीं है और टी नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू, हेंस ए इज इक्वल टू क्यू आर एंड एस। बी में क्या रहेगा, तो बी में हम देख रहे हैं क्यू और आर तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ एक चीज और भी रहेगा, वो क्या रहेगा, P रहेगा, क्योंकि यहां पर आपने लिख दिया कि P not belongs to A, तो किसको belongs कर रहा है, B को, तो यहां पर लिख दीजिए P Q R and C is equal to, आपने लिख ही दिया है कि जो T है वो A को नहीं belongs कर रहा है, किसको belongs कर रहा है, C को, तो T तो रहेगा ही रहेगा, एंड दो चीज यहां पर पहले से था Q और, आ गया समझ में,